आपका प्रश्न है, मन बुद्धि से धन को सफल कैसे करें? इसके लिए संक्षिप्त में, क्योंकि आपने दो शब्द दिए मन और बुद्धि, विस्तार से समझने के लिए मन बुद्धि और संस्कार इस वीडियो को जरूर देखेंगे। यहाँ मैं आपको संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करूँगा। मन का काम है निष्पक्ष शरीर के द्वारा आने वाले हर संदेश को बुद्धि तक पहुँचाना, और बुद्धि के द्वारा मिले हुए आदेश को इस शरीर पर लागू करना, ये काम है मन का। और बुद्धि का काम है जज की सीट पर बैठकर निर्णय करना। बुद्धि निर्णय करती है संस्कारों के आधार पर, जो संस्कार के अनुसार मैच कर रहा होता है उसके लिए बुद्धि करती है ओके, और जो संस्कारों के अनुसार नहीं मैच कर रहा होता उसके लिए युद्ध चलती है। और चाहे मन जीतो चाहे संस्कार जीतो, बुद्धि जिस बात को स्वीकार करती है वो फिर आगे मन को ऑर्डर के रूप में मिलता है। इसलिए मन बुद्धि से हम तब भी सफल कर सकते हैं जब हमने बाबा के सभी डायरेक्शन बुद्धि के द्वारा स्वीकार कराकर संस्कार बना दिए होंगे। बाबा के डायरेक्शन मन मना भाव करके, समझा समझा करके उसे संस्कार बना दिया होगा। ईश्वरीय मत ही मेरा संस्कार बन जाएगा। मेरा और मेरे बाबा का मत एक हो जाएगा, तब तन भी मन बुद्धि से सफल कर सकेंगे, मन भी मन बुद्धि से सफल कर सकेंगे, और स्थूल धन भी मन बुद्धि से सफल कर सकेंगे। जब तक अभी कुछ भी मेरा रावण मत का संस्कार है, ईश्वरीय मत पर इग्नोर कर रहे हैं, तो समझ ले कि जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सही नहीं हो रहा। संस्कार का बनना बहुत जरूरी है। जितने भी संस्कार अभी मन मत पर, रावण मत पर मत पर होंगे, तो मन बुद्धि के द्वारा ना तन सफल हो सकता है, ना मन सफल हो सकता है, ना धन सफल हो सकता है, ना श्वास सफल हो सकता है, ना संकल्प सफल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन संस्कारों के आधार से गलती होती रहेगी। इसलिए अटेंशन देना है श्वासों श्वास बाबा को याद कर के। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर
व्हाट्सएप करें। ओम शांति।